अगर आप GTPL का केबल ऑपरेटर बनना चाहते हैं या फिर ये बिजनेस पार्ट टाइम या फुल टाइम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ ध्रुव दर्जी और मेरी इस यूट्यूब चैनल डिस्क्वायर टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि किस सब्जेक्ट पे या फिर किस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है, तो मैंने थोड़े बहुत स्टेप्स मतलब कि टॉपिक्स लिखे हुए शॉर्ट टॉपिक्स की किस किस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, ये मैंने जो सारा का सारा डिटेल्स है कि जो आप GTPL का जो केबल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो GTPL मेनली दो सर्विसेज चलाता है, एक GTPL ब्रॉडबैंड का और एक GTPL केबल ऑपरेटिंग का, ठीक है। तो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों कि किस तरह से आप अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कितना कॉस्ट लगता है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस अंत तक देखते रहिए वीडियो, सारे की सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको केबल ऑपरेटिंग या फिर केबल ऑपरेटर अगर आप बनना चाहते हो, ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो इसका पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा। दूसरी जगह आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद एक केबल ऑपरेटर, मैंने अपना पार्ट टाइम बिजनेस मेरा चालू है, ठीक है। तो मेरा मुझे जो जिस तरह से मैंने ये बिजनेस शुरू किया था पार्ट टाइम बिजनेस, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्राइटेरिया, यानी कि एज क्राइटेरिया। तो इसका एज क्राइटेरिया क्या हो सकता है, तो सबसे पहली बात कि जिस किसी भी व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का, इस केबल ऑपरेटिंग का थोड़ा बहुत हल्का भी नॉलेज है वो इसको शुरू कर सकता है। मतलब कि अगर नहीं भी है तो भी उसको नॉलेज को कहीं से भी सोशल मीडिया से भी गेन करके उसको शुरू कर सकता है। लेकिन इसमें दोस्तों कस्टमर्स के साथ हमको कनेक्ट होना होता है, इसलिए थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर 20-22 साल का कोई लड़का है या फिर कोई भी है तो वो आप इसको शुरू कर सकता है, ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया कोई नहीं है, लेकिन जिसकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, थोड़ा बहुत नॉलेज है इस बारे में और थोड़ी बहुत फील्ड में काम करने की उनको, अगर फील्ड में काम कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति है उसको पसंद है फील्ड में काम करना, तो ये व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया इसमें कुछ नहीं है, तो पहला स्टेप है कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है एज का, ठीक है। तो दूसरी बात है कि कौन इसको शुरू कर सकता है इस बिजनेस को, कि इस पे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई होना चाहिए क्या। इसमें कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ अपने पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको इसके पीछे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, इसका थोड़े नॉलेज होना ज़रूरत है और आपके पास थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा पॉइंट है, तो इसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात है कि हम रजिस्टर कहाँ से कर सकते हैं, इस जो ये भी जो बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें, कहाँ से फॉर्म लाए, क्या करें, किस तरह से इसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं गुजरात में हूँ और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। तो गुजरात में GTPL के मेन जो ऑफिस है दो जगह है, मतलब कि अहमदाबाद में ही है, एक बोड़कदेव है और एक शाहीबाग है, दो जगह पे इसका मेन जो ऑफिस है वो दो है। लेकिन मेरा जो एरिया पड़ता है वहाँ पे एक सब ऑफिस है मेरे एरिया से 20-25 किलोमीटर दूर, तो मैंने वहाँ से एक कनेक्शन, जो GTPL का केबल का जो कनेक्शन है वो मैंने वहाँ से एक्सटेंड कराया हुआ है। तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर है मैंने उधर से एक्सटेंड कराया हुआ है, ठीक है। तो अपने एरिया को देखो कि अपने एरिया में आप जहाँ कहीं भी हो, ऐसा नहीं है कि गुजरात में ही, पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो, अगर आपको GTPL का बिजनेस शुरू करना है तो आप सिर्फ गूगल देवता को याद करें, गूगल देवता को याद करके सिर्फ इतना सर्च मारें कि अपने एरिया के आसपास GTPL का कौन सा सब ऑफिस है या फिर कौन सा मेन ऑफिस है, जहाँ से आप इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सके, ठीक है। तो वहाँ जाइए, वहाँ जाके एक उधर जाके आपको बोलना है कि इस तरह से मुझे ये शुरू करना है, मेरा एरिया ये है और इस एरिया में मेरे को इस सर्विस को शुरू करना है। इसके बाद वो आपको क्वेश्चन करेंगे कुछ कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना, आपको कितना आपका टारगेट है कस्टमर का, आप कितना कस्टमर्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है।
ये सब आपका जनरल क्वेश्चन होगा, वो आपको पूछेंगे। तो ये इसका जो आपको आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद एक करारनामा होता है, वो मतलब कि एक लीगली अप्रूव माना जाएगा आपकी तरफ से कि आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट के तौर पे वो आपसे लेंगे कि वो लीगली जो है एग्रीमेंट लेंगे आपसे कि आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इसका लीगली एग्रीमेंट आपको उनको देना होगा, ठीक है। उसका जो खर्चा आएगा 100-200 रुपये, वो बहुत मतलब कि इसका खर्चा नहीं एग्रीमेंट का, तो 100-200 रुपये खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा या फिर उससे भी कम। तो वो एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा, वो तब जबकि वो आपका जो बेसिक मतलब कि आपका जो सारा का सारा जो आप सेटअप लगाने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले उस पर एग्री हो जाए, उसके बाद ये एग्रीमेंट उनको देना पड़ता है। तो उनको ये एग्रीमेंट आप देंगे तो वो उनकी जो अगर सब ऑफिस में दे रहे हो तो आपका जो एग्रीमेंट है वो मेन ऑफिस में जाएगा, यानी कि मेन जो GTPL के ऑफिस है वहाँ एग्रीमेंट हो करके वापिस आएगा। उसके बाद आपको एग्रीमेंट मतलब कि आपको ऐसा वहाँ से बोला जाएगा कि हाँ चलो भाई अभी ठीक है, वो एग्रीमेंट वो पास कर देंगे, उसके बाद आपको ये इसकी जो सर्विसेज है वो सब प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो है उसको रजिस्टर करने में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, ये सिर्फ जो मैंने लीगली एग्रीमेंट वाला जो बताया कि 100-200 रुपये खर्चा वो, और दूसरा 3-4 हज़ार रुपये जो मतलब कि टूल्स और इंस्ट्रूमेंट वहाँ से लेने का वो अलग से खर्चा वो बाद में होगा, लेकिन जो शुरू करने के लिए वो उसके लिए कोई भी खर्चा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई ले रहा है खर्चा तो सीधा सीधा GTPL मेन ऑफिस में बताइए कि इस तरह से मुझसे एक खर्चा लिया जा रहा है, क्योंकि वो लीगली नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हाउ मच कॉस्ट, मतलब कि इनिशियल कॉस्ट कितना होगा। तो जो हम सेटअप कर रहे हैं उसमें इनिशियल कॉस्ट क्या होगा, तो सबसे पहली बात एक मायने रखता है मेन कॉस्ट, जो कि ऑप्टिकल फाइबर का आएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर का कॉस्ट कितना आएगा, तो आपको भी पता होगा कि आप गूगल करके देख लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर का एक मीटर का कितना रुपया लगता है। अभी अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग जो एक मीटर का जो रुपया है वो अलग अलग कॉस्ट है। मेरे हिसाब से 15-20-25-30 इस तरह से कुछ मीटर का ऑप्टिकल फाइबर का जो रेट है वो चल रहा है। तो इस तरह से आप कौन सा ब्रांड आपको इंस्टॉल करना है, आप कौन सा ब्रांड का जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपको इंस्टॉल करना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि कितना सब आपने जो वहाँ जहाँ से आप एक्सटेंड करा रहे हैं जो केबल, मतलब कि आपके एरिया से मान लो कि 10 किलोमीटर है आपका सब स्टेशन जो GTPL का, वहाँ से अगर आपको एक्सटेंशन लेना है आपके एरिया में, ठीक है, आपके गांव में, आपके सिटी में, कहीं पे भी अपने एरिया में, तो 10 किलोमीटर है तो एक मीटर का मान लीजिए 20 रुपये है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कि 10 किलोमीटर का कितना पैसा ऑप्टिकल फाइबर का लगेगा। तो वो इनिशियल कॉस्ट है, वो लगा कि अपने चैनल्स आप मतलब कि आपको अगर ऐसा हो कि इतना ऑप्टिकल फाइबर लगा लिया तो मेरे एरिया तक मैंने ऑप्टिकल फाइबर ये ला दिया, उसके बाद चैनल शुरू, ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो ऑप्टिकल फाइबर का खर्चा गिनिए, मैंने बताया उस हिसाब से। उसके बाद आपको जो ऑप्टिकल फाइबर लाए आप लेकर आए हैं, मतलब कि एक्सटेंशन किया हुआ है, उसको एक नोड, एक ऑप्टिकल, ये जो मैं इस वीडियो में साइड में दिखा रहा है कि किस तरह से ये नोड की इस तरह से दिखता है कुछ, तो इस नोड में अपना जो ऑप्टिकल फाइबर है वो इसमें इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद ये जो बाजू में जो है ऑप्टिकल ट्रांसमीटर है, तो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में जो नोड में ऑप्टिकल फाइबर आया उसका जो एक सिरा नोड में और एक सिरा ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में उसको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो नोड क्या करता है, तो जो लाइट बीम है, जो ऑप्टिकल फाइबर का लाइट बीम जो आता है, जो मतलब कि एक टाइप का आप SMS समझ लिए कि मैसेज आ रहा है, मतलब कि वो सेंड कर रहा है, यहाँ पे हमको रिसीव करना है, तो वो लाइट बीम आ रहा है उसको हमको रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि RF में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्ट कहाँ से होगा, तो इस नोड से कन्वर्ट होगा, उसके बाद ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में आएगा। तो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर आप साइड में देख सकते हैं कि किस तरह से दिखता है ऑप्टिकल ट्रांसमीटर। तो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर क्या करता है कि जो हमको जितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए कि इतने हमारे कस्टमर्स हैं, तो इतने कस्टमर्स में इतनी फ्रीक्वेंसी हमको इनिशियली चाहिए, तो एक फ्रीक्वेंसी सेट करता है ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में हम इसको लगाएंगे। उसके बाद
ये सारा सेटअप हो जाने के बाद, ये शुरू हो जाने के बाद, यहाँ से हमारा जो एक्सटेंशन, मतलब कि हमारे गांव या सिटी में जिस भी एरिया में भी आपको करना है, वहां आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी सेटअप बॉक्स की। तो जितने भी कस्टमर्स हैं उतने कस्टमर्स के लिए आपको सेटअप बॉक्स लाने होंगे। तो सेटअप बॉक्स कहाँ से मिलेगी? तो सेटअप बॉक्स GTPL के जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उधर से आपको मिल जाएंगे सेटअप बॉक्स। तो वहां से आपको ले आने हैं सेटअप बॉक्स, और उसके बाद सेटअप बॉक्स लाने हैं और उसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए एक प्रोसेस है कि आप जो भी कस्टमर है उसका जो लीगल प्रूफ है, यानी कि जो वोटर आईडी है या फिर आधार कार्ड है, वो आपको उसकी जेरोक्स लेनी है। उसके बाद दो या तीन फोटोज लेने हैं अपने प्रूफ के लिए। तो वो उस सेटअप बॉक्स को चालू करने के लिए उसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसके लिए आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, उसको आपको अपलोड करनी होती है। उसके लिए एक GTPL ने एक ऐप बनाई हुई है GTPL साथी करके, उसमें आप उसको वो आप सारी की सारी डिटेल्स, मतलब कि उस GTPL साथी में दी गई होगी, उसका यूजर नेम और पासवर्ड, जब आपका सेटअप हो जाएगा और आपकी चैनल्स आप शुरू करने वाले होंगे और सेटअप बॉक्स वहां से आप लेकर के आएंगे कि अब मुझे अभी मेरा कस्टमर्स मेरे को मैंने एक्वायर कर लिए और मेरे कस्टमर्स को मतलब कि अभी सर्विस शुरू करनी है। तो वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड देंगे GTPL साथी का। तो वहां से आप सारे का सारा एक्सेस कर सकते हैं कस्टमर्स का, जो न्यू कस्टमर्स है उनका सेटअप बॉक्स जो है वो आपको आप एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर बंद हो गया है या फिर रिचार्ज खत्म हो गया तो आप वहां से रिचार्ज भी कर सकते हैं, और सारी की सारी जितने भी फंक्शंस है वो आप वहां से एक ऐप के जरिए आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो ऐप की जानकारी मैंने पहले से इस यूट्यूब चैनल में दी गई है, तो वो आप जरूर देखिए अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या फिर अभी कर रहे हो, और अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह से GTPL साथी का उपयोग करते हैं तो ये मेरा एक वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है कि आप ये विले मतलब कि गांव में कर सकते हैं या सिटी में कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं? तो कोई भी हो, मतलब कि गांव, कस्बा, सिटी, शहर, मतलब कि कोई भी एरिया जहाँ पे आपको कस्टमर मिल रहा है वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, कोई भी हो, आप वहाँ अपना कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अपना ये बिजनेस है ये वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है कि मिनिमम कस्टमर्स कितने होने चाहिए। तो मिनिमम कस्टमर्स गांव में मान लीजिए कि अपना 50 कस्टमर है अपने पास, तो अगर आप अगर GTPL मेन ऑफ या सब ऑफिस में बता दें कि मेरे मिनिमम इतने इनिशियली कस्टमर्स है, तो वो आपको अगर कहते हैं कि चलो भाई हाँ इतना कस्टमर मिनिमम होना चाहिए, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि नहीं चलो भी इतना कस्टमर्स तो होना ही चाहिए। तो मिनिमम आप मान के चलिए कि गांव में 50 कस्टमर हो और सिटी में 70-80 कस्टमर या 100 मतलब कि 100 कस्टमर्स मिनिमम होने चाहिए। तो इतने कस्टमर्स है आपके पास और इतने हो ही जाते हैं, क्योंकि इतने तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इतने कस्टमर्स हो जाएंगे आपके मिनिमम इतने। तो इतने कस्टमर्स अगर होते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और इतने से इतने कस्टमर्स आप एक्सटेंड कर सकते हैं ज़्यादा कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मेन पॉइंट आता है कि कमाई कितनी होती है इसमें, GTPL केबल ऑपरेटिंग में कमाई कितनी होती है। तो है उस कमाई डिपेंड करती है अपने कस्टमर्स पे, और कस्टमर्स कौन कौन से पैकेजेस ले रहे हो उस पर। तो सबसे पहली बात कि आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें किसी का हिस्सा नहीं रहेगा। GTPL सिर्फ आपको सर्विस दे रहा है, ना कि आपको पैसा देगा इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी टाइप है, फ्रेंचाइजी नहीं है लेकिन फ्रेंचाइजी टाइप है। जैसे कि हम किसी की भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो फ्रेंचाइजी में सारा का सारा सेटअप भी अपना होता है, सब अपना होता है, सिर्फ नाम उसका होता है कि चलो भाई ये फलाना नाम है वो, मतलब कि एक GTPL का नाम है, इन्वेस्टमेंट हमको करना है और उसका जो कुछ परसेंट होगा वो GTPL लेगा और बाकी का हमको मिलेगा, वो अपना मुनाफा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी हमको GTPL एक रुपया भी नहीं देगा, क्योंकि सारा का सारा सर्विस वो सिर्फ सर्विस देगा, ठीक है। वो ब्रॉडकास्ट करेगा सिर्फ,
हमको उसको चलाना है तो इन्वेस्टमेंट का पैसा हमारा लगेगा, उसके बाद जो मुनाफा लगेगा उसका थोड़ा बहुत परसेंट वो GTPL वाला लेगा और उसके बाद जो बचा वो अपना मुनाफा, ठीक है। तो अगर एक एक फिगर आउट करते हैं कि किस तरह से आप कौन कितना कितना पैसा कमा सकते हैं इससे, और ये बिजनेस इसलिए अच्छा है दोस्तों कि ये मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि पार्ट टाइम ये पैसिव इनकम टाइप है, क्योंकि इसके पीछे ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद मेंटेनेंस आता रहता है, लेकिन मेंटेनेंस इतना ज़्यादा नहीं आता है कि आपका जितना मुनाफा है उससे ज़्यादा तो आपका मेंटेनेंस आ गया, उतना ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, उसके बाद अपना मेंटेनेंस उतना नहीं आता है, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक डेढ़ साल तक रुकना पड़ेगा अपने मुनाफे के लिए। क्यों? क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत हाई रहेगा, क्योंकि अगर जितना डिस्टेंस है आपके सब ऑफिस और अपने एरिया से उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेटअप बॉक्स का, नोड्स का, ट्रांसमीटर का, वायर्स का, प्लग्स का सारा जो खर्चा मिला करके देखें तो एक साल, तो अगर एक साल अगर मान ले कि इतना आपका 10 या 20 किलोमीटर आप एक फिगर आउट करते हैं कि 20 किलोमीटर से आप केबल एक्सटेंशन करते हैं, उसके बाद अपना जो सेटअप लगाते हैं तो उसके बाद आपको मिलते हैं 50 कस्टमर, तो 50 कस्टमर इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक साल के अंदर अंदर आप एक या डेढ़ साल के अंदर अंदर आपको सारा का सारा जो है अपना इन्वेस्टमेंट है वो मतलब कि निकल जाएगा। अगर आपका 50, 60, 70 कस्टमर आपको मिल रहा है अभी इनिशियली और सभी के सभी अच्छे पैकेजेस पे जा रहे हैं तो वो आपको मुनाफा ज़रूर दिलाएंगे। उसके बाद अगर एक लेवल आ जाता है, उसके बाद वो सेटअप मतलब कि सेट हो जाता है कि इतने कस्टमर से ये पैकेजेस ले रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस तरह से अपना बिजनेस चलेगा। तो इस तरह से अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे की जानकारी मतलब कि जो भी दूसरी जानकारी है वो मैं अगले अगले वीडियोस में देता रहूँगा, लेकिन ये बेसिक जानकारी थी जो आप मुझे आपको देनी थी किस तरह से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इस टॉपिक पे अगर किसी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी टूल्स वूल्स मतलब कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत मतलब कि है, और अगर आपको पता नहीं कि किस तरह कहाँ से मिलेगी, कहाँ से लाए, क्या करें, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको आपका एड्रेस दे दूंगा, मतलब कि अगर आप गुजरात में हैं तो गुजरात में तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा कि किस किस जगह पे आप ले सकते हो, और अगर गुजरात बाहर से भी है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेहतर होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आपको ये बिजनेस पैसिव इनकम दिलाता है हमको, क्योंकि मैं भी अपने एक जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी साइड बिजनेस की तरह ये बिजनेस चल रहा है, मतलब कि मेरे गांव में चल रहा है थोड़ा बहुत, मतलब कि इतने सारे कस्टमर्स नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब कि एक इनकम जनरेट हो रही है उसमें से, इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपके दोस्तों को भी ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको दोस्तों आपके दोस्तों को भी ये वीडियो अगर आपको भेजना है, मतलब कि उनको भी ये बिजनेस शुरू करना है, तो आप हेल्पफुल बनिए उनके लिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।